नमस्कार, अन्नपूर्णा फूड सिंधी में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ मैं गोभी के पकौड़े, और बहुत डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ मैं। तो इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। गोभी के पकौड़े मैं बहुत अलग तरीके से बना रही हूँ, बड़े बड़े पीसेस में नहीं बना रही हूँ, इसको छोटे छोटे पीसेस काट के बनाऊँगी। और इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह मैं काट रही हूँ, तो इसको इस तरह काट लें आप। कद्दूकस इसको करेंगे तो ये बहुत बारीक हो जाएगा और मुँह में बाइट ही नहीं आएगी, अब पता ही नहीं चलेगा कि गोभी के पकौड़े हैं। तो इसको थोड़ा सा इस स्टाइल में काट लें आप। ये देखिए तो मुँह में बाइट भी आएगी और खाने में अच्छे भी लगेंगे। ये देखिए इस तरीके से मोटे मोटे काटूंगी मैं, और ऐसे मैंने ये सारे काट के तैयार करके रखे हैं गोभी। तो इस तरह काट लिए गोभी, ये देखिए इसको हाथ से इस तरह प्रेस कर लें। और अब इसमें मैं डालूंगी बारीक कटी हुई प्याज, ये देखिए ये डाल लें आप। यदि प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टेस्ट आ जाए तो ये प्याज डाला मैंने बारीक कटी हुई, मिर्च, ग्रीन चिली, मुंह में बाइट आए, गरम मसाला, सब कुछ है इसमें। चैनल पे है मेरा ये गरम मसाला, और सभी कुछ इसमें, लौंग, काली मिर्च, इलायची, एवरीथिंग इसमें सब कुछ है। आप देखना चाहें तो देख लें चैनल पे। ये मैंने मसाला एक तैयार किया है जिसमें भुना हुआ जीरा, सौंफ, लौंग, काली मिर्च, धनिया और अमचूर है। ये देखिए ये तैयार है, ये डालूंगी मैं करीब 2 चम्मच, और अदरक और मिर्च को, हरी मिर्च को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ये डालूंगी और अब इनको सबको मिला दूंगी मैं। और इसी में मिलाऊंगी मैं हल्दी, थोड़ी सी लें हल्दी कलर के लिए, हल्दी, थोड़ा लाल मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च ली है मैंने, नमक लें अपने स्वाद के अनुसार, नमक ले लें, और इनको मिक्स कर लें सबको। अब इसमें डालूंगी मैं बेसन, बेसन इसके रेशो के हिसाब से ही लेंगे, कोई फिक्स नहीं है कि कितना है। गोभी नमक डालने से पानी जो छोड़ती है उसी पानी में मिक्स करेंगे इसको। तो देखिए और डाल दिया मैंने बेसन। आपको यदि ज़रूरत लगे, रिक्वायरमेंट हो, तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकती हैं इसमें, लेकिन ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रही है थोड़े से पानी की रिक्वायरमेंट। तो ये देखिए और ये देखिए मोटा रखा है मैंने गोभी को, तो ये पकौड़े बनने के बाद बहुत अच्छी बाइट आएगी इसकी। ये देखिए तैयार हो गया है मिक्सचर वेजिटेबल और बेसन का। ये देखिए ये टेक्सचर होना चाहिए इसका, और ये परफेक्ट बनते हैं पकौड़े। और जब हम पीसेस के पकौड़े बनाते हैं तो उसमें भी यदि आपका बेसन गाढ़ा नहीं है तो पीसेस के ऊपर से बेसन का
कवर उतर जाता है और वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो इसमें लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये देखिए तैयार है। और अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ, जो कि मैंने तेल रख के और गर्म करने चढ़ा दी थी। तो इसको तलते हैं। इसकी एक ख़ास बात है व्यूअर्स कि अनिवन बनाएं आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके गोले बनाएं, कैसे भी आप इसको बना के और डाल सकते हैं। कुरकुरे बनेंगे और बहुत बड़ा पीस ना रखें इसका, ताकि सीख सके अंदर से। शुरू में तेज रखें आंच को और उसके बाद इसको धीरे कर दें। देखिए बहुत अच्छे और कुरकुरे सिक के तैयार होंगे ये। इसको खा के आप समोसे कचौरी भूल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है पकौड़ों की कि बहुत जल्दी तैयार होते हैं। यदि आपके घर में कोई गेस्ट आया है तो इसमें टाइम नहीं लगता, बस सब्जियां काटने की देर होती है और तैयार हो जाते हैं पकौड़े। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है। आप इसको सिम पे थोड़ी देर सेकेंगे और उसके बाद पलटाएंगे। अपने आप ये जब ऊपर आ जाएंगे पकौड़े तो फिर इसको पलटाएंगे। ये देखिए सिक्के तैयार हैं पकौड़े। इनको मैं उतार लूँगी। ये देखिए और बिल्कुल कुरकुरे सीखे हैं, अनिवन लेकिन कुरकुरे। और इसकी बाइट मुंह में आएगी जब गोभी की या मसाले की, तो बहुत अच्छी लगेगी। मैंने दूसरा बैच और डाल दिया है सीखने के लिए। और इसको सेकने के बाद मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी कि कैसे बने। तो चलिए सीखने देते हैं इसको। ये देखिए दूसरा बैच भी तैयार है और इसको भी मैं निकाल लूँगी। और अब करूँगी मैं इसकी प्लेटिंग और आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये तैयार है दूसरा बैच भी। देखिए व्यूअर्स, गोभी के पकौड़ों की प्लेटिंग कर दी है मैंने। सॉस और हरी चटनी के साथ की है, पुदीने और हरे धनिए की चटनी है और सॉस है। और मेरा पूरा वीडियो देखिएगा कि मैंने कैसे बनाए हैं। और इसको बना के मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे लगे। अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे इसके लिए बेल आइकन भी पुश करें आप। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लाने तक टेक केयर, बाय बाय।